बॉलीवुड के वन एंड ओरिजिनल ही मैन धर्मेंद्र का मिजाज बॉडी भले सख्त लगती हो लेकिन अंदर से पूरी तरीके से दिल आशिकाना है। बहुत शायराना मिजाज के हैं, इसीलिए उनके अफेयर पहली पत्नी के बावजूद काफी बार रहे, फिर चाहे वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ हो या फिर उससे पहले मीना कुमारी के साथ या बाद में अनीता राज के साथ। हालांकि वो अपनी दो पत्नियों के बीच में खुश हैं, पहली पत्नी प्रकाश देओल, दूसरी हेमा मालिनी। इसके बावजूद उनका मिजाज आशिकाना था और इसी आशिकाना मिजाज ने उनके परिवार को सगे सौतेलों के बीच में बांट दिया। उनकी पहली पत्नी का जो परिवार था वो सगों में चला गया, सौतेले परिवार में आ गई हेमा मालिनी, उनकी दो बेटियां और बाकी दामाद। ये सगे सौतेली खाई कई सालों से धर्मेंद्र के मन को खाती रही, लेकिन धर्मेंद्र कुछ कह नहीं पाए बिकॉज वो जानते थे उनके बेटे बड़े हो रहे हैं और किसी बात पर खफा हो सकते हैं। इसीलिए हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों को धर्मेंद्र के पहले परिवार से दूर रखा। किताबों में कई बातों का जिक्र मिलता है। हेमा मालिनी की जो बायोग्राफी है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, वहाँ पर वो खुलकर कहती हैं धर्मेंद्र की जो माँ थी यानी हेमा की सास, वो भी बाहर मिलती थी। प्रकाश देओल नहीं चाहती थी हेमा उनके घर में आए। इसके अलावा बच्चे भी दूर दूर रहते थे। जब भी हेमा की बेटियों की शादी होती थी धर्मेंद्र के बेटे वहां नहीं जाते थे, ये बात भी हम सब जानते हैं। इसके बावजूद कहते हैं प्यार में बहुत दम होता है और जब घर का मुखिया ही बहुत आशिकाना हो तब तो प्यार हर चीज को जीत लेता है। तो होगी प्यार की जीत की तर्ज पर सगे सौतेलों के बीच की खाई धीरे धीरे टूट रही है। और जिस तरीके से गदर 2 की कामयाबी के बाद ईशा आहना उनका परिवार धर्मेंद्र के दोनों बेटों के साथ एक साथ प्रेस के सामने आने की हिम्मत कर पाया, उससे एक बात साबित होती है, अब देओल परिवार पहले जैसा नहीं रहा। अब वो खाई सगे सौतेलों के बीच की जो थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सिर्फ मामला हेमा और प्रकाश देओल पर अटका हुआ है, वरना पूरा परिवार लगभग एकजुट हो चुका है। गदर 2 के बाद हमने देखा ईशा आहना सनी बॉबी एक फ्रेम में है। हो सकता है अगले फ्रेम में ईशा आहना के पति भी आ जाएं और सनी बॉबी आ जाएं। तीसरे फ्रेम में प्रकाश देओल और ईशा आहना भी आ सकती हैं। हो सकता है ऑलरेडी आ चुकी हूँ बिकॉज मूवी की स्क्रीनिंग के दौर पर ईशा देओल के साथ साथ प्रकाश देओल भी मूवी देखने आई थी। बहरहाल उसकी फोटो मीडिया में अभी तक आई नहीं है, सो श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन वो बात दूर नहीं है जब पूरा परिवार एकजुट होगा। और कहते हैं प्यार के आगे सगे हारेंगे सौतेले जीतेंगे, यानी सौतेले अगर अपना प्यार अपनी डिग्निटी मेंटेन रखें तब सगों को झुकना पड़ता है। और लगता है जो धर्मेंद्र का सगा परिवार यानी फर्स्ट फैमिली है सनी बॉबी अजीता विजेता, वो सौतेले परिवार के साथ एकजुट होने के लिए राजी है। और ये बात धर्मेंद्र को अंदर से खुश कर रही है। धर्मेंद्र इस एज में अपनी बीमारी को मद्देनजर रखने के बावजूद भी मूवी की स्क्रीनिंग में जा रहे हैं, गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं अपने परिवार की खुशी को और पब्लिक को थैंक यू बोल रहे हैं। यही उनकी एनर्जी का ताकत का राज है। आज सगे हार रहे हैं सौतेले जीत रहे हैं, यानी परिवार की प्यार की रिश्तों की जीत हो रही है और सगे सौतेले का फर्क खत्म हो रहा है, जो एक पूरी तरीके से पूरे देश के लिए एक परिवार के लिए मिसाल की बात है।